चलिए तो अपना कैमरा ऑन कर लो पॉसिबल हो तो। चलिए नमस्कार। देखिए अब जो इसमें एक तो सेट कल हुआ था आपका, 21 सेकंड सेट है, इसमें भी क्वेश्चन है आपके 70 के आसपास, कल 65 क्वेश्चन थे, उसमें आपके ग्रामर के, लिटरेचर के, लिटरेरी टर्म्स के, सभी के क्वेश्चन बेसिकली उसमें थे। तो वो वीडियोज डली नहीं है 2-3 दिन की, वो आज डलवा देंगे उन सारे वीडियोज को। क्या पूछ रहे वो आज डाल देंगे उन वीडियोस को, कल टाइम ही नहीं मिल पाया। चलिए देखो क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। विलियम शेक्सपियर का तो है, बाकी 3 राइटर्स के नहीं है, बाकी और लिटरेचर के रिलेटेड जो लिटरेरी टर्म्स आपके हिस्ट्री वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पहला है द सिलेबिक पैटर्न इन एन एनापेस्टिक पेंटामीटर इज, बताइए कौन सा सिलेबिक पैटर्न होगा एनापेस्टिक पेंटामीटर में। अब पेंटामीटर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पेंटामीटर पे तो 5 मीटर फीट बन जाते हैं जो भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ एनापेस्टिक में होता है, 3 सिलेबल्स होते हैं एनापेस्टिक में, पहले 2 अनस्ट्रेस, दूसरा लास्ट वाला स्ट्रेस, इसका जाएगा ए पॉइंट, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। चलो आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, कि ए चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट, जब एक सीरियस सब्जेक्ट से कुछ चेंज होती है, चेंज फ्रॉम सीरियस सब्जेक्ट टू ए डिसअपॉइंटिंग वन और फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच इज नॉन एज, मतलब क्या इस बात का, इसे क्लाइमैक्स भी कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं, बैथोस को सुना तो गुरु बैथोस को क्लाइमैक्स कहते हैं या एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हुए क्रम में होता है एंटी क्लाइमैक्स जो होता है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी सीरियस सब्जेक्ट से हम डिसअपॉइंटिंग चीज़ों की तरफ चलते हैं और सबलाइम मतलब झुकते हुए नीचे की ओर जाते हैं, मतलब रिडिकुलस राइटिंग में जाते हैं स्पीच, और रिडिकुलस होता है, बताया भी था कि रिडिकुल लगता ही लगता है देखने में, ये जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था उस टाइम बताया था, ये थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को कि पहले सबसे बाद वाला काम हो जाता है और सबसे बाद में सबसे पहले वाला काम होता है, उल्टा चलता है इसमें। तो ये एंटीथेसिस, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, एंटी क्लाइमेक्स है बैथोस, ये बैथोस होता है। तो इसमें मीनिंग कहाँ से निकालेंगे आप, ये एक चेंज होता है फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट, एक सीरियस सब्जेक्ट से डिसअपॉइंटिंग की तरफ जाता है, या फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस जाता है, फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच इज नॉन एज बैथोस। चलिए आगे देखिए, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ साउदी कॉलरेज आर नॉन एज, क्या माने जाते हैं, कौन से थे, लेक पॉइंट, पंकज याद है, याद करो भाई, हर क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, लेक पॉइंट से। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इट डेलिबरेटली सजेस्ट टू और मोर डिफरेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कि इट डेलिबरेटली सजेस्ट टू और मोर डिफरेंट एंड समथिंग कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग इन ए वर्क इट इज, बताइए। इससे पता चलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं एंड समथिंग कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग इन ए वर्क, किसी भी वर्क में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर दो से ज़्यादा क्या होता है, मीनिंग्स होते हैं। देखो ना साफ साफ लिखा है, 2 or more different एंड समथिंग कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग निकल के आते हैं किसी भी एक वर्क के, तो वो होता है एम्बिग्यूटी। फिगर्स ऑफ स्पीच ध्यान रखना, क्वेश्चन को घुमा देता है वहाँ पर वो। चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोएट्री, चौसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पोएट्री, बताइए, हीरोइक कपलेट, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज, ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज, क्या है, बताया था आपको पॉइंट ये वाला, कि इसमें हम ऐसी चीज़ों का इमेजिन करते हैं, ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, फैंसीफुल है, काल्पनिक इमेजिन कर लिया, काल्पनिक चीज़ों को कंपेयर कर दिया जो पॉसिबल ही नहीं था, उसे कहते हैं कंसीट। और ये मेटाफिजिकल पोइट्स में बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी कंसीट की, मालूम हो गए तो खैर तुम्हें। चलो 7th क्वेश्चन देखो, इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से समझते चले जाना, नोट्स बना लो, इनको लिखो, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो तो बना लीजिए, आपके टीजीटी में, पीजीटी में, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट,
मच अडो अबाउट नथिंग आर द अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ, किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ रोमांस, या नन ऑफ दीज? पढ़ के देख लेना, आंसर करा रखा है इसको, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी ऑफ मैनर्स, पढ़ के देखना उसको क्वेश्चन को ध्यान से। एट्थ क्वेश्चन देखिए, ए सॉन्ग और हाइम, एक ऐसा गीत ऑफ मॉर्निंग रोते हैं उसमें कंपोज किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है एज ए मेमोरियल टू द डेड पर्सन इज नॉन एज, कौन सा होता है पंकज, कौन सा होगा? डर्ज। एक तो गीत हो गया, बैलेड भी एक गीत की तरह से चलता है, कॉमेडी हो नहीं सकते, डर्ज, डर्ज या एलर्जी, एलर्जी का ही पार्ट डर्ज होता है। नाइन देखिए, एलर्जी पढ़ाई देना आपको, एलर्जी में चार पांच तरह की एलर्जी बताई थी उसमें। ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सिक्स आयम्बिक फीट इज कॉल्ड, सिक्स आयम्बिक फीट, ये सिक्स फीट है, इसमें सिक्स फीट का मतलब कितने सिलेबल हो गए, सिक्स फीट का मतलब कितने सिलेबल हुए, 12 सिलेबल। तो इस ये से भी कह सकते हैं कि जिसमें 12 सिलेबल हो, और आयम्बिक हो, आयम्बिक मतलब पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, ठीक है ना, और ये आयम्बिक का मतलब दो सिलेबल का एक फीट होता है जिसमें पहला वाला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, और इसमें है सिक्स, सिक्स का मतलब इसे हेक्सा सिलेबिक भी कह सकते हैं, हेक्सा आयम्बिक सिलेबल, या आप इसे मतलब सिक्स आयम्बिक फीट, तो क्या कहेंगे बताइए इसमें, पता है कुछ नहीं पता है, तुक्का मार रहे हो हुँ? और ये करा रखा है क्वेश्चन आपको, और ठीक है ना, सिक्स आयम्बिक फीट आएगा तो अलेक्जेंड्राइन होता है वो, सिक्स आयम्बिक फीट होता है अलेक्जेंड्राइन, वो चीज पढ़ना आप घर पे, उसका क्वेश्चन अगली बार आएगा फिर। नो राइम नो मीटर आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ना कोई राइम है ना कोई मीटर है, क्या है, वर्स लिबर, और इसको फ्री वर्स भी कहते हैं, पता है ना आपको, फ्री वर्स भी कहते हैं, या इसे वर्स लिबर कहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन में बता रखा आपको, बता तो सारे रखे हैं बेसिकली मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड एज, एक फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी क्या कह सकते हैं बताइए, रेटोरिक, ये कल भी क्वेश्चन आया था, कल की क्लास में भी था, ये उसमें फिगर ऑफ स्पीच इस तरह से नहीं लिखा है तो वो रेटोरिक में चला जाएगा। चलो आगे देखिए, इसमें फुल फैंथम फाइव द फिकल फ्रीक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फुल फैंथम फाइव द फिकल फ्रीक्स, एलिट्रेशन, समझ गए, एफ 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 बार 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 एक वर्ड लेटर रिपीट हो रहा है। चलिए आगे देखिए, द अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज, एनाफोरा का अपोजिट क्या है, ये भी करा रखा है, एनाफोरा क्या होता है बताओ मीनू, एनाफोरा जब ये ही नहीं पता एनाफोरा क्या होता है तो उसको अपोजिट क्या पता होगा, एनाफोरा क्या होता है, प्रीति, प्रीति कहाँ गई अभी, अब आएगी, वाणी, वाणी तो, वाणी तो नहीं, क्या नाम, पंकज बताओ, हाँ जिसमें क्या, हमारो तुक्के मारो बैठ के, कंपटीशन है अगले साल, अगले महीने एग्जाम है तुम्हारा, बताओ एनाफोरा क्या होता है, ये बताया था इसमें, एनाफोरा में क्या होता है, जितनी भी लाइन्स एक पोएम या वर्ड्स में स्टार्ट होती हैं वो लगभग तक मतलब एक ही टाइप के वर्ड से स्टार्ट होती हैं, वोवल कॉन्सोनेंट कहाँ से आ गया, वर्ड ही पूरा एक सा होता है उसमें, पढ़ के देखो एनाफोरा, और एनाफोरा का अपोजिट जो होता है वो होता है एपिस्ट्रॉफी, नहीं नहीं पढ़ के अब इसे पढ़ के आओ, उसमें जब आप पढ़ोगे नहीं सीरियसली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये रचना को क्या हुआ, रचना से बताओ, क्लास कनेक्ट होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो क्लास चल पड़ी, मेरा फोन, मेरे पास फोन आ रहा है इसका, बता दो कोई बच्चे से बता सकता हो तो रचना को, प्रीति तुम बता देना क्योंकि क्लास में तो फोन नहीं उठाएंगे ना, द अपोजिट एनाफोरा इज, ये होता है एपिस्ट्रॉफी, ये ध्यान रखना, इसमें पढ़ के सारे बता रखे हैं आपको, एक बार लिटरेचर को पढ़ के देखो, और उसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच बताए थे, फिगर्स ऑफ स्पीच में ये सारे बताए थे, क्लाइमैक्स, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी, और ये एपिस्ट्रॉफी, ये जो दोनों वर्ड अलग अलग है, एपिस्ट्रॉफ तो होता है संबोधित करते हैं, और ये एनाफोरा का अपोजिट होता है, एनाफोरा में सभी लाइन्स एक वर्ड से स्टार्ट होंगी और एपिस्ट्रॉफी में सभी लाइन्स एक वर्ड पर खत्म होंगी,
मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, ये क्या है? कैसे पता, कैसे एंटीथेसिस बताइए? मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। प्रीति, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें से? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज बताओ, म्यूट करके बोल, मत बोलो। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, बताओ। तो कौन सा होगा? कैसे एंटीथेसिस क्या होता है? दो सेंटेंस में अगर दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। लेकिन जब दो अपोजिट सेंटेंसेस साइड बाय साइड हैं तो वो होता है एंटीथेसिस। यहाँ पे वर्ड है प्रपोज और डिस्पोज, लेकिन क्या है कि दो सेंटेंस, ये अलग है, ये अलग है, तो ये है एंटीथेसिस। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लिबल इज ए क्राइम, टू स्लेंडर इज ए सिन। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, पन, हाइपरबोल। To gossip is a fault, to libel is a crime, to slander is a sin. पन, पन है? नहीं, नहीं, तो क्या है बताओ? क्या है? तुक्का मारो कुछ भी बैठ के जो मन में आए। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स में फर्क क्या होता है? क्लाइमैक्स में चीजें एक छोटे लेवल से ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती हैं, एक लेडर की तरह, एक लेडर की तरह। तो पहले यहां फॉल्ट लिखा, फॉल्ट से बड़ा होता है क्राइम, क्राइम से बड़ा होता है पाप, ये क्लाइमैक्स है। मतलब आप एक चीजों को देखोगे ना, मतलब एक के बाद एक के बाद उसकी लेवल को बढ़ाते जाओगे तो वो क्लाइमैक्स चलता चला जाता है। फॉल्ट, फॉल्ट से बड़ा क्राइम, क्राइम से बड़ा पाप, ये तो सबको पता है ना। फॉल्ट छोटा होता है, क्राइम छोटा होता है। फॉल्ट तो कम होता है ना, क्राइम उससे बड़ा होता है, और क्राइम से बड़ा हो जाता है पाप हो जाता है। तो पाप तो सबसे ऊपर रैंक पे है ना, तो ये लेडर की तरह काम करेगा, ये है क्लाइमैक्स। पढ़ के देखो यार, पढ़ नहीं रहे उसका मतलब तुम लोग, और मेरी भी गलती नहीं फिर इसमें। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, इनमें से कौन सा है मर्चेंट ऑफ वेनिस? वैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन सी फॉर्म में है? कॉमेडी में है, रोमांस में है, ट्रेजेडी में है, किस चीज में है वो बताइए? मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो फर्स्ट आएगा इसका कॉमेडी, रोमांस, चार और देख लो कौन कौन से लिखे हुए हैं, दो मतलब दो ऑप्शन और कौन कौन से हैं। कॉमेडी, रोमांस, तो यहां से ध्यान रखना कि कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है या नॉवल है। पढ़ मत लियो, ट्रेजी कॉमेडी है, वो साफ साफ लिखा उसका कि ट्रेजी कॉमेडी। जो नोट्स मिले हैं उसमें पढ़ के देखना, वहां भी साफ साफ ट्रेजेडी ट्रेजी कॉमेडी लिखा हुआ है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय, हाँ चलो, विलियम शेक्सपियर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा तो हो जाएगा ना। हैमलेट बाय शेक्सपियर इन इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? डेनमार्क। इसके सेटिंग याद कर ली सभी प्लेस की, कहाँ कहाँ पे सेट हुए हैं। 19 देखो, विच ऑफ दीज इज ए कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर दैट इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस? क्वेश्चन को समझे ध्यान से, इनमें से कौन सा वो कॉमिक कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर ने एक से ज्यादा प्ले में यूज किया है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा था कौन कौन से प्ले में यूज किया है। एरियल, एंटोनियो, सर जॉन फाल्स्टाफ या पोर्शिया, कौन है? सर जॉन फाल्स्टाफ, ये बंदा है जो एक से ज्यादा प्लेज में यूज किया है इसने। ये अगली बार जब टेस्ट होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से प्लेज में था ये बेसिकली दो प्लेज में तो ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर रॉबिन गुडफेलो इज ए कैरेक्टर? कौन से प्ले में है रॉबिन गुडफेलो? रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, मैकबेथ और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम? पढ़ा है? हाँ, तो इस तरह से भी काम चल सकता है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम करेक्ट यही है। नेक्स्ट देखो, हु इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बाय जॉनसन? कौन है? शेक्सपियर। ये तो याद होगा आप लोगों को, शेक्सपियर को कहा था किसने? कहा था और
बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से प्ले का जो थीम है वो सेक्सुअल पजेसिवनेस है? कौन सा है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये नोट्स बना लो इनके आप बैठ के तसल्ली से, मतलब ये चेक करना वहाँ पे। और जो आपका स्पायरल है, जो वो कैप जो स्पायरल मिला ना आपको विलियम शेक्सपियर का, उसमें भी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं लाइन में बना बना के वहाँ पे। आगे देखिए, द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन, इसके बारे में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब ये ओपन हुआ था और कब ये बंद हुआ था। तो द ग्लोब थिएटर ओपन्ड इन कौन से ईयर में ओपन हुआ था बताइए? 1599 में इसे ओपन किया गया था। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कि इसे बंद कब किया गया, तो वो आगे आएगा क्वेश्चन। इसमें सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ, देखो सेक्सुअल पजेसिवनेस थीम किसका है? मिडसमर नाइट का, ठीक है ना। और सेक्सुअल जेलसी किसका थीम है? ओथेलो। किसका है? ओथेलो। कंफर्म है ये? कंफर्म है, तुक्का मारा है? हाँ, ये ध्यान रखना, सेक्सुअल पजेसिवनेस अलग थीम है और सेक्सुअल जेलसी अलग थीम है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट देखिए, अच्छा वो जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे, रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी, रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन क्राइम, याद है ना, और रॉयल सेंट और वीक इन सेंटलीनेस, सेंटलीनेस जो है बताया था पॉइंट, ये उन तीनों के नाम याद रखना उनके। द ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसके बारे में एक क्वेश्चन कल भी आया था, विलियम शेक्सपियर ने इसको कहा था, लेकिन अभी क्वेश्चन है कौन से प्ले में और किसके मुंह से कहा था। इन एज यू लाइक इट में इसको कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, एज यू लाइक इट में कहा गया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है हु सेड टू होम, किसने कहा था, किससे कहा था। अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए उसके कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो देखो इसमें सारे कैरेक्टर हैं या कोई नहीं है? सारे हैं, आप पढ़ के देखना उसके कैरेक्टर्स को और समझ गए ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन उठता है ऑल द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके लिए पूरा आपको प्ले पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन कुछ लाइन्स ऐसे हैं ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो पहला ध्यान रखिए, एज यू लाइक इट में इस चीज़ को कहा गया है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, लेकिन किसके मुँह से बुलवाया है, यह है जैक्विस टू ड्यूक सीनियर, ये जैक्विस के मुँह से, जैक्विस से कहवाया है, जैक्विस ने कहा है ड्यूक सीनियर को, क्या कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ सब अपना अभिनय करने के लिए आते और चले जाते हैं, दुनिया के रंगमंच। आगे देखिए, शेक्सपियर्स नैरेटिव पोयम इज, विनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लैंडर, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, मैकबेथ तो पोयम नहीं है, रोमियो जूलियट प्ले है, और हीरो एंड लैंडर ये क्या है? हाँ तो बचा क्या आपका? विनस एंड एडोनिस, पोयम तो यही है बस इसकी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट्स, शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में कौन सी थीम एक्सप्रेस की है? हार्मोनी, वेल्थ, ये आया क्वेश्चन बता रखा मैंने आपको स्पाइरल में, समझाया था उसको थीम समझो, सोनेट्स की थीम क्या थी, हार्मोनी वेल्थ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑनेस्टी वेल्थ टाइम एंड ब्यूटी, पीस टाइम ब्यूटी एंड वेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं आपको याद है भूल गए सारे, पहले इन तीनों में देख लो, इन तीनों में से है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर जाके इसे पढ़ लेना अपने स्पाइरल से, जो लिखा हुआ है वहां पे साफ साफ लिखवा रख लिखा हुआ है उसके अंदर कि उसके सोनेट्स की थीम क्या है, चार थीम थी, मतलब चार फैक्ट्स थे जिनके ऊपर उसने सोनेट्स लिखे थे। अब वो कौन सा था? ब्यूटी भी था, वेल्थ भी था, ऑनेस्टी भी था, टाइम भी था, लेकिन वो कैसे कैसे था वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो चेक करो, उसमें उसकी थीम को समझिए क्या थी। इन तीन में नहीं होगा, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, ये इंपॉर्टेंट है, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, ये उसके सोनेट्स का मेन थीम था। चलिए आगे देखियो, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, बेसिक थीम क्या है टेम्पेस्ट का? रिवेंज, रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, पढ़ा हुआ है, तुक्का मार रहे हो बैठे हुए। हाँ, टेम्पेस्ट की जो थीम है वो फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम है, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर, ये क्वेश्चन भी करा हुआ है दोबारा, दूसरी तीसरी बार पूछा क्वेश्चन वाला,
टीएस इलियट ने कहा था हैमलेट के बारे में कि ये एक ड्रामेटिक फेलियर है। हाँ हाँ हाँ। विच इज द लास्ट सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा सोनेट लास्ट में लिखा है विलियम शेक्सपियर ने? टू लव्स, आई हैव कंफर्ट एंड डिस्पेयर, एक सोनेट की स्टार्टिंग यहां से थी। माय लव इज अ फीवर, ये भी एक सोनेट था। द लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप, ये भी एक सोनेट है। व्हेन माय लव स्वेयर्स, इनमें से कौन सा सोनेट है जो लास्ट है? कौन सा है लास्ट में? तो उसके लिए कहेंगे ना, क्यूपिड के लिए। और लास्ट का जो लास्ट सोनेट है उसमें तो ये दिखाया था ना, मतलब प्यार का भूत सो गया है निकल के, जो देवता था वो सो गया, वो इस तरह था ना। तो द लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप, ये वाला ऑप्शन जाएगा सी। क्वेश्चन लगाओगे तो अपना समझ आ जाएगा इसमें थोड़ा। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये एक सोनेट है। 18. ये कौन सा सोनेट है? कौन सा है? 18th सोनेट, बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। प्रॉब्लमेटिक सोनेट्स कौन कौन से हैं? 108, 126, क्लियर। और 1 to 17 कौन से हैं? मैरिज सोनेट। और 18 to 26 म्यूज सोनेट। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट आइए। देखो, हाउ मैनी सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर डेडिकेटेड टू मेल टर्म्ड एज फेयर यूथ? फर्स्ट टू 126 कन्फर्म है। और डार्क लेडी को कौन से थे? 127 से 128। चलो अच्छा, कल हम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन उठाएंगे, कल के जो क्वेश्चंस होंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी वगैरह स्टार्ट कर देंगे पढ़ने। विलियम शेक्सपियर को रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। इसे देखिए आगे क्वेश्चन ही वाला। द फर्स्ट टेट्रोलॉजी इंक्लूड्स, टेट्रोलॉजी बताई थी ना, प्लेज में टेट्रोलॉजी थी उसकी, कौन से प्लेज में थी? हिस्ट्री प्लेज जो थे उसके, उसमें उसने टेट्रोलॉजी थी, दो टेट्रोलॉजी उसकी थी। अब वो फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्लेज उसने लिए थे बताइए? रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ फर्स्ट, हेनरी फोर्थ सेकंड, हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन, हेनरी फोर्थ। हाँ जी, यहां दिमाग लगाओ, किंग जॉन तो किसी भी टेट्रोलॉजी में था ही नहीं। कौन कौन से दो किसी भी टेट्रोलॉजी में नहीं थे? किंग जॉन और हेनरी एट। तो जिस ऑप्शन में किंग जॉन और हेनरी एट हो तो ही नहीं सकता ना इसमें। तो किंग जॉन इसमें लिखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसमें भी लिखा है, नहीं पढ़ना। इसमें देखो, इसमें हेनरी एट लिखा है, ये भी नहीं पढ़ना। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन जाएगा फिर। समझ गए ना, तुक्का मारने से बेहतर है कि आप चीजों को समझ लो थोड़ा सा, कि जो नहीं थे उनको भी पढ़ के देख लो ना। हाँ, अगर उसने सारे ऐसे लिख दिए जो कुछ सेकंड टेट्रोलॉजी में थे, कुछ फर्स्ट में थे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाएगा, फिर पढ़ो इस चीज़ को। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता वो, कहीं ना कहीं किंग जॉन और कहीं ना कहीं हेनरी एर्थ का नाम जरूर लिखेगा। ये दोनों किसी भी टेट्रोलॉजी में नहीं थे, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट आइए। हाउ मैनी इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, सोचिए। लिखे दस थे सेवन, फिर ये कैसे हो गया? मैंने ये नहीं बताया, मैंने बताया उसने टोटल हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं 10, लेकिन जो किंग्स के नेम से हैं वो है 7। अगर वो नेम्ड एज किंग पूछता है, किंग के नेम पे पूछता है, तो वो 7 है, जो किंग जॉन से शुरू होता है और हेनरी एट पे जाके खत्म होता है। पहला किंग जॉन है, लास्ट वाला हेनरी एट है, और हेनरी एट इनकम्प्लीट है। हालांकि उसे कंप्लीट बाद में किया था, वो एक अलग चीज है। किसने किया था? नहीं पता। हेनरी एट्थ को, हेनरी एट्थ को कंप्लीट किसने किया था? मत करो याद, कल याद करके आओ। 10 है टोटल इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज है 10, और इन 10 में 7 ऐसे हैं जो राजाओं के नाम से ही हैं। पढ़ के आना कल, इसका क्वेश्चन डाल देंगे फिर दूसरा नहीं तो। आगे देखिए इसमें, विच इज द लास्ट हिस्ट्री प्ले बाय शेक्सपियर, पता ही होगा, हेनरी एट। फर्स्ट कौन सा है? किंग जॉन। फर्स्ट किंग जॉन है तो हेनरी एट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एक्सेप्ट रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड को छोड़ के कौन सा प्ले है जो पोयम या वर्सेस की फॉर्म में लिखा हुआ है? और ये क्वेश्चन बता रखा आपको, सिर्फ दो प्लेज इसके ऐसे थे जो वर्सेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक का नाम तो उसने खुद बोल दिया रिचर्ड सेकंड, दूसरा कौन सा है?
हाँ जी, और बता रखा है क्वेश्चन तो नहीं बताया हुआ पंकज? हाँ बताओ, याद है कुछ? बहुत बढ़िया, किंग जॉन और रिचर्ड सेकंड, ये दो प्लेज ऐसे हैं जो वर्सेस की फॉर्म में लिखे हुए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट आइए, याद तो करने पड़ेंगे, चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। देखो अब इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, पुट द अर्ली कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तीन तीन अर्ली कॉमेडीज हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? लव्स लेबर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाओगे, कैसे? बी ए सी, पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स थी, फिर लव्स लेबर्स लॉस्ट थी और फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना थी। आपका जो स्पाइरल दिया हुआ है उसमें जितने भी प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, वो सारे क्रोनोलॉजिकल ही लिखे हुए हैं। जो मैंने चार्ट बना रखा है क्रोनोलॉजिकल ही है, तो उन्हें याद रखिए वहां से। आगे देखिए इसमें, या मैं इसको एक सिंपल समझा देता हूं। इसमें इसको आप याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल, जब वो अर्ली कॉमेडीज पूछता है तो इसे याद करिएगा आप सीजीएल। सीजीएल नहीं, वो तो सीएलजी होगा, वो अलग है, इसका इसकी थ्योरी नहीं बनेगी, वो मारे उसे बोली, वो सब पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज प्लेज इज सेट इन एफिसस। जो एफिसस में है सेट वो कौन है बताइए? टेम्पेस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट या मैकबेथ, कौन सा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है, इसकी सेटिंग है एफिसस में। एफिसस ध्यान रखना, इसमें सेटिंग जरूर पूछेगा आपसे एक नए क्वेश्चन में वो। आगे देखिए इसमें, हु इज ऑल्सो नेम्ड एज द बास्टर्ड प्रिंस इन मच एडो अबाउट नथिंग। बताया था आपको क्वेश्चन भी, मच एडो अबाउट नथिंग में किसका नाम है जो बास्टर्ड प्रिंस के नाम से भी जाना गया? जॉन डॉन, सॉरी डॉन जॉन, डॉन पेड्रो, बेनेडिक और मार्गरेट। डॉन जॉन, हालांकि सारे कैरेक्टर हैं इसमें, लेकिन डॉन जॉन को जो दूसरा नाम से जाना जाता है वो होता है बास्टर्ड प्रिंस के नाम से जाना गया। अब देखो ये नाम है, एक तो है वियोला, एक सर टॉबी बेल्च, एक वैलेंटाइन एंड फैबियन। चारों के नाम याद रखो, वियोला, सर टॉबी बेल्च, वैलेंटाइन एंड फैबियल आर द करेक्टर्स इन। अगर तुम्हें इनमें से एक भी करेक्टर मालूम है तो आप उस चीज को समझ जाओगे कौन से में है। ट्वेल्थ नाइट में है, अगर इनमें से एक भी करेक्टर, क्योंकि उसने चारों करेक्टर पूछे हैं, चारों किस में है, तो चारों याद मत करो। आपको अगर एक भी याद आ गया तो खासतौर से इसको तो जरूर याद रखना, सर टॉबी बेल्च, ठीक है ना? टॉबी बेल्च किस में है? ट्वेल्थ नाइट में है, ठीक है ना? अगर एक भी याद रखोगे ध्यान रखना ट्वेल्थ नाइट है इसका आंसर जो जाएगा। विच ऑफ दीज इज द ओनली कॉमेडी, इनमें से कौन सी ऐसी कॉमेडी है जो ट्विंस के ऊपर है, जिसमें सिस्टर और ब्रदर ट्विन है, शेक्सपियर ने लिखी है, बताइए? ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट ही तो है। तुमने कौन सा था? जुड़वा तो नहीं थे? किसमें? हाँ तो उसी के तो, अच्छा मैं सुना तुम इसको कह रहे हो मर्चेंट, मतलब ट्वेल्थ नाइट में जुड़वा थे ना। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इसमें जुड़वा जो थे, जुड़वा कौन से थे? ब्रदर और सिस्टर, उनके नाम क्या है? हाँ याद रखो इन चीजों को। चलो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट ऑफ मैच्योर कॉमेडीज बाय शेक्सपियर इज, सबसे आखिरी मैच्योर कॉमेडीज कौन सी में है? हाँ, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। सबसे पहली कौन सी है? हाँ, टेमिंग ऑफ द श्रू, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर विच हैज इनसेचुअस थीम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है बेटा आपको कि इनसेचुअस थीम कौन से प्ले की है विलियम शेक्सपियर ने, बताइए? मिडसमर्स नाइट, सिंबलिन,
पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर या विंटर स्टिल। ध्यान रखना, अगर इंसेस्टुअस आता है, इंसेस्टुअस आता है तो फिर वो है पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर। इसी के थीम पे पढ़ के देख लो, उनको कह रहा हूँ बार बार पढ़ो। अरे पता नहीं कितने चक्कर में क्यों पढ़ रहे, इस वर्ड को याद रखो, बस इतना ही पूछेगा, क्योंकि इतने से भी याद करोगे इसकी भी एक टर्म समझनी पड़ेगी तुम्हें फिर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ टेम्पेस्ट। इनमें से कैरेक्टर कौन सा नहीं है टेम्पेस्ट का? मेरिंडा, एरियल, मेरिना नहीं है, ये ऑप्शन जाएगा डी। कैरेक्टर जरूर याद रखो भाई, करेक्टर्स के क्वेश्चन आप देखते हो, प्रीवियस पेपर भी उठा के देखोगे, उसमें पूछे जाते हैं। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज ए प्रॉब्लम प्ले या डार्क कॉमेडी? प्रॉब्लम प्ले या डार्क कॉमेडी, इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाता है? रोमियो एंड जूलियट, विंटर स्टेल, मेजर फॉर मेजर या मैकबेथ? कौन सा? मेजर फॉर मेजर। ये प्रॉब्लम प्ले या फिर डार्क कॉमेडी भी कहते हैं इसको। ड्यूक ऑफ वेनिस एंड इयागो आर कैरेक्टर्स ऑफ। ज्यादातर बच्चे से सोच लेते हैं वेनिस से, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से होगा। हाँ, किस से? ओथेलो से। इयागो से आप याद करें, इयागो तो ओथेलो में था ना, ठीक है ना। वो जब दो तीन करेक्टर पूछेगा आपसे तो उसमें एक करेक्टर भी आपको याद आ गया ना किससे, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, मकबूल एक फिल्म बनी थी हिंदी में, वो कौन सी प्ले के ऊपर बनी थी शेक्सपियर के? मकबूल, मकबूल याद है? कई फिल्में बनी है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, एक तो बनी है हैदर, वो किस पे बनी है? हैमलेट। ओथेलो किस पे बनी है? ओमकारा। और मकबूल किस पे बनी है? मैकबेथ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल रिप्रेजेंट किया है? कौन सा बताइए? हाँ जी, किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ? रिचर्ड थर्ड। फिक्स पॉइंट है, याद रखना, रिचर्ड थर्ड में विलियम शेक्सपियर ने रॉयल क्रिमिनल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, रिचर्ड थर्ड। और इनके बारे में तीन क्वेश्चन भी हैं, मैंने आपको कल बताया था, वो क्वेश्चन अपने जरूर याद रखना। इसमें रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी, रॉयल क्रिमिनल स्ट्रांग इन क्रिमिनल क्रिमिनलिटी, और रॉयल सेंट वीक इन सेंटलीनेस। कंप्लीट द सेंटेंस, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्नड डाउन इन। बताइए, देखो बना कब था ये? 1599 में बना था, और 1613 में इसमें आग लग गई थी, ये बेकार हो गया था 1613 में, ग्लोब थिएटर। आगे देखिए, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। फॉलोइंग लाइन है, लाइन नहीं है, लाइन करो इसे। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। कौन से प्ले से लाइन ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना ध्यान रखो, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। एक तो इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वो किससे लिया हुआ है? एज यू लाइक इट से लिया। और लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये किससे लिया है? मैकबेथ। ध्यान रखना, कंफर्म है मैकबेथ, मैकबेथ का लाइन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। इसी पे दो ही क्वेश्चन था इस पेज पर। चलिए आगे देखिए, विच इज नॉट शेक्सपियर्स आर शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्सपियर का ड्रामा इनमें से कौन सा नहीं है बताइए? टाइटस एड्रोनिकस है, हैमलेट भी है, रिचर्ड थर्ड भी है, एडवर्ड ऑफ एडवर्ड द सेकेंड ये नहीं है, तो ये ऑप्शन जाएगा बी। कंफर्म है तो इजी क्वेश्चन पड़ता है। सो हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हैमलेट किसने लिखा था और द हैमलेट किसने लिखा था? हाँ, फॉल्कनर ने, फॉल्कनर ने लिखा था द हैमलेट। द लगता है इसका राइटर बदल गया था, हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा था, द हैमलेट फॉल्कनर ने लिखा था। ध्यान रखना, जहाँ द हैमलेट आएगा वो फॉल्कनर ने लिखा। नेक्स्ट देखिए, पिक द करेक्ट पंक्चुएशन। अब यहाँ से ग्रामर समझिए, पिक द करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन आपको छांटना है। मैं पानी पी लूँ तब तक।
बताइए। देखो दिमाग लगाओ क्वेश्चन पे, ये इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, ये तो हो नहीं सकता। ओ नो के बीच में कभी कोमा इस तरह से नहीं था, ये भी नहीं हो सकता। अब इसने लगाया ओ नो आई फॉरगॉट फुल स्टॉप आई विल फोन हर नाउ। अब नाउ के बाद में देखो इसने सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन के बाद आगे कुछ लिखा होता है, सेमी हाँ ठीक है ना, सेमी कॉलन के बाद में आगे सेंटेंस बनता है, कुछ ना कुछ आगे जरूर होगा, सेमी कॉलन पे सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, तो ये नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। और नो आई फॉरगॉट आई विल फोन हर नाउ। आगे देखो क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। इसमें सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है? इंटरोगेटिव तो है नहीं ये, देखो ये तो कंफर्म है क्वेश्चंस नाउन है, तो नाउन से पहले कौन आता है, तो ये तो कंफर्म एडजेक्टिव है, तो देखो यहां पे एडजेक्टिव पूछा, यहां पे एडजेक्टिव पूछा, यहां पे एडजेक्टिव पूछा, यहां पे एडजेक्टिव पूछा, अब जैसा काम कर रहा है वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछ रहा होता तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या, नहीं। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तो हुआ नहीं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये संख्या बता रहा है, क्वांटिटी में होती है मात्रा, कि हमने प्रश्नों की मात्रा बता दी। प्रश्न काउंटेबल अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल चीज का नंबर होता है, क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी तो वैसे ही नहीं हो सकता। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर तब होता है जब वो संख्या बता रहा हो प्रश्नों की, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 10 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, उसने संख्या बता रहा है क्या, संख्या तो नहीं है ना, ये बता रहा है कि इस तरह के प्रश्न शुड नॉट बी आस्क्ड, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, संख्या नहीं बता रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दिखा रहा है कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, दिस दैट दीज दोज सच, ये जो था दिस दैट दीज दोज, जो डायरेक्शन बताए, डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रदर्शन करें, वो एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम से समझो, किताब में जाके इनके रूल पढ़ोगे जरूरत नहीं है, यहीं पे उस चीज को समझने की कोशिश करो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर संख्या होती है, अब ये संख्या थोड़ी बता रहा है प्रश्नों की, अगर हम कहते हैं 3 questions तो प्रश्नों की संख्या होती, बढ़ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अगर हम कहते हैं मच मिल्क तो मिल्क की मात्रा हो गई, ए लॉट ऑफ मिल्क, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। और अगर हम कहते हैं इन विच क्लास, कौन सी क्लास में, तो वो होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। आगे देखिए, टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। अब अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ करना था, एज वेल एज के नीचे, भूल गए हम, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, बताइए। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम होता है दो चीजों को ऐड करना, तो हमने टॉम और ब्राउनी को ऐड किया एज वेल एज से, कंजंक्शन है, समझ जाओगे मैं क्या करूं। और देखिए, इन द सेंटेंस ही डिमांड्स ए थोरो इंक्वायरी, थोरो इज, इसमें थोरो क्या है, ही डिमांड्स ए थोरो इंक्वायरी, इसमें थोरो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, adjective. कैसे पता, आप समझ लो ना, ये आर्टिकल है और थोरो इंक्वायरी, इंक्वायरी फिर क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन से पहले क्या आता है, adjective. तो ये एडजेक्टिव हुआ ना, ये थोरो, थोरो इसमें एडजेक्टिव है, समझोगे। और ये बहुत ही क्विकली क्वेश्चंस होते हैं, देखो ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत क्विक होते हैं। अब मैं इस पर जाके बहस करता रहूँ, बैठा हुआ आधा घंटा लगाऊँ माहौल बनाने में इसका, ये है वो है, कुछ नहीं, बस सेकंड भर का क्वेश्चन होता है, दिमाग में आ गया तो हो गया। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, कौन सा होगा, चेक कीजिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अब पहले यहाँ पे अंडर इन ऑप्शंस पे देखो, इनमें क्या क्या उसने कर रखा है, उसने कोमे कोमे लगा रखे हैं, फुल स्टॉप सब में लगा रखा है, ठीक है ना, तो फुल स्टॉप सब में लगा है, तो वहां से तो पता चलेगा नहीं। और देखो आप चेक करो कहां तक कुछ चेंज नहीं किया, आप देखोगे ध्यान से, टू ग्रांट मी, ओहो कहां मर गया, टू ग्रांट मी लीव, टू ग्रांट मी लीव, टू ग्रांट मी लीव, टू ग्रांट मी लीव, इनमें कुछ नहीं पूछ रहा। अरे अरे सुन रहे ना, अब और ऑप्शन आपको देखना है, तो इसका मतलब आपको आई देयर फॉर रिक्वेस्ट तक चेक करना है। अब इसने क्या किया, पहले ऑप्शन में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में कोमा, फिर देयर फॉर, फिर कोमा, फिर रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना,
एक में आई देयर फॉर एज इट इज लिखा, यहां कॉमा लगा के रिक्वेस्ट कर दिया। एक में आई देयर फॉर रिक्वेस्ट के बाद में कॉमा लगा दिया। एक है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसमें कोई कॉमा नहीं है, टू ग्रांट के बाद कॉमा लगा दिया। अब देखो टू ग्रांट एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा मी, वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कॉमा नहीं आता, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा नहीं आएगा, जो कि गलत है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कॉमा नहीं होता, ये गलत है। हालांकि अगर पैरेंथेटिकल पार्ट नहीं आ रहा है तो, अब देखो इसने वर्ब सब्जेक्ट कॉमा जब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आएगा नहीं आएगा, सेंटेंस जगह आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ये पूरा एक सेंटेंस है, वो पूरा एक सेंटेंस, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ऑप्शन जाएगा सी। बताया अभी तक कल आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनके बीच में कॉमे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। कॉमा तब आता है जब आपको एक छोटा सा हाल्ट देके अगला सेंटेंस बोलना हो, तो ध्यान रखना इसमें, तो ऑप्शन जाएगा इसका सी। आगे देखिए इसमें द कमेटी मीट्स हियर एवरी संडे, कमेटी जो होती है वो आती है यहां पे हर संडे आती है। इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, क्या है? कलेक्टिव नाउन। कमेटी तो बहुत सारे मेंबर से मिलकर बनी है ना, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राम वियर से शॉल, वेयर एज सैम, सैम का एस कैपिटल कर लेना, इसको मैं ही कर देता हूं, वेयर एज सैम वियर से कॉट। इसने पूछा अंडरलाइंस पार्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, नाउन क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज हो सकती है, प्रिंसिपल क्लोज की पहचान क्या है, कंजक्शन है, तो सी तो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है, जिसमें एंटीसीडेंट लिखा हो, तो वेयर लिखा है, वेयर का एंटीसीडेंट क्या होता है, प्लेस, तो प्लेस लिखा है कोई यहां पे? नहीं, टाइम कैसा हो जाएगा वेयर का, टाइम किसका होता है, वैन का टाइम होता है, प्लेस का वेयर होता है, मैनर का हाउ होता है, रीजन का वाई होता है, ह्यूमन बींग का हु हुम हुज होता है, नॉन लिविंग का विच विच ऑफ विच होता है। करा रखे आपको, बैच में जाके चेक करो उसे। वेयर लिखा है ना, तो वेयर के साथ प्लेस लिखा है कोई नहीं, तो एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं हो सकती। अब बची नाउन और एडवर्ब, नाउन क्लोज क्या होती है, हाँ प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब में आप क्या लगाइए और क्या का जो आंसर देगी वो क्लोज नाउन हो जाएगा। उसने कहा राम वियर्स, राम पहनता है, क्या पहनता है राम बताइए, इसका आंसर शॉल है, वेयर एज शाम वियर से कोट है, शॉल है, वेयर एज शाम वियर्स तो नहीं है ना। अगर मैं कहूँ राम पहनता है, बताइए क्या पहनता है, तो वेयर एज श्याम वियर से कोट, ये आंसर, ये आंसर नहीं हुआ ना क्या का, तो ये नाउन क्लॉज भी नहीं है, तो बच्ची क्या, एडवर्ब क्लॉज, सीधा सा पॉइंट है। और देखो लीविंग बिहाइंड द डॉग वॉज ए डिफिकल्ट डिसीजन, ध्यान रखना क्वेश्चन को, कि लीविंग बिहाइंड द डॉग वॉज ए डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक। ये कह रहे हैं अंडरलाइन पार्ट क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बताइए क्या है ये, ए फ्रेज, ए क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, या फ्रेज क्लॉज सब्जेक्ट, क्या है बताइए। कंजंक्शन है ये, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन तो इसमें दैट है भाई, बताइए क्लॉज है, लीविंग बिहाइंड ये पूरी क्लॉज है क्या, नहीं है, क्लॉज क्या होती है, क्लॉज में कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तभी तो क्लॉज बनती है ना। लेकिन इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, सब्जेक्ट सेंटेंस वेंटेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्लॉज तो हो नहीं सकती। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन होने से, क्लॉज नहीं है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ से आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो हुई, जब क्लॉज नहीं है तो कंजंक्शन भी नहीं है। अरे सुन रहे ना, अब बची फ्रेज और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है द डॉग, द डॉग वाज ए, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, द डॉग सब्जेक्ट नहीं, उल्टा हो, गलत हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट है ये पूरा यहां से यहां तक, वो कह रहा है लिविंग बिहाइंड द डॉग पूरा ये सब्जेक्ट है, लिविंग बिहाइंड द, वो कह रहा है डिफिकल्ट डिसीजन क्या था, लिविंग बिहाइंड द डॉग, कुत्ते को पीछे छोड़ के चले जाना, कुत्ते को छोड़ के चले जाना, ये डिफिकल्ट डिसीजन था। लिविंग बिहाइंड द डॉग वॉज ए डिफिकल्ट डिसीजन दैट ए फैमिली हैड टू टेक, कुत्ते को छोड़ के चले गए घर पर ही, ये परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। तो देखो वर्ब है वॉज, तो वाज का मतलब लिविंग बिहाइंड सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो पूरा हुआ, लिविंग बिहाइंड द डॉग कुत्ते को छोड़ के चले जा रहा, ये पूरा सब्जेक्ट था, समझ रहे मैं क्या करूं। लेकिन वो पूछ रहा है ये क्या है, इतना सा पार्ट, ये एक फ्रेज है और वर्बल फ्रेज है, इसमें वर्ब है ना लिविंग,
तो ये वर्बल फ्रेज है, ये फ्रेज का काम करेगी, ये ऑप्शन जाएगा ए, वर्बल फ्रेज या फ्रेज। और देखिए द गर्ल हु इज वियरिंग ए रेड कोट इज फ्रॉम माई स्कूल, ये एडजेक्टिव सबॉर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब सबॉर्डिनेट क्लॉज है, नाउन सबॉर्डिनेट क्लॉज है, नन ऑफ दिस, बताइए। एडजेक्टिव सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि हु लिखा है, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को, सिंपल सा पॉइंट है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इस सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, ध्यान दो क्वेश्चन को करो अपने हिसाब से। सेंटेंस क्या है, ओनली साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, केवल साइंस के विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाना है, मीनिंग नहीं बदलना है। चेक करो कौन सा होगा, मैं हट जाता हूं एक बार। नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ओनली बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई, नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई, क्या होगा बताइए। पंकज तुम बताओ, इसको समझो, आपने नन लिखा है और यहां पे कैन नॉट लिखा है, डबल नेगेटिव एक साथ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ओनली बट द स्टूडेंट, ओनली बट कुछ होता नहीं है, नन बट तो होता है, ओनली बट कुछ नहीं होता है। नो अदर देन, नो अदर देन साइंस स्टूडेंट, अब यहां नो लिखा है, यहां कैन नॉट लिखा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा बी, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके लिए रूल नहीं पढ़ सकते, आपको पता नहीं कौन सेंटेंस आएगा, आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा क्वेश्चन पे। डबल नेगेटिव नहीं आता, हर बार बताता हूँ, डबल नेगेटिव एक साथ नहीं होगा, सारा खेल इसी का है। ओनली बट कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ओनली बट द साइंस स्टूडेंट, ये कोई साइंस ही नहीं है। और नो अदर, नो के साथ कैन नॉट लिख दिया, नन बट के साथ कैन नॉट लिख दिया, एक में नहीं लिखा, तो वहाँ पर आपका क्विकनेस चेक किया जाता है, माइंड कितना शार्प है तुम्हारा क्वेश्चन पे, ये नहीं कि आपने नन बट वन के कितने रूल्स पढ़ रखे हैं। 64 देखिए, Join the following sentence into one sentence, यानी कि इन दो sentences को एक sentence में लिखना है। अब एक sentence को complex भी हो सकता है, compound भी हो सकता है, simple भी हो सकता है। तो जब उसने कुछ नहीं कहा कि complex, compound, simple बनाओ, फिर कोई सा भी option ठीक हो सकता है ना। तो ऐसी condition में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो जो दोनों sentence में लिखा है, जैसे इसने कहा ना, this town was once a प्रॉस्पेरस सी पॉर्ट, इट नाउ ए हीप ऑफ रोइन। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रहनी नहीं चाहिए और बकवास इसमें घुसनी नहीं चाहिए, और इसको ज्वाइन करो इस तरीके। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट जाना चाहिए इन चारों में से, बताएं। देखो ध्यान से, ऊपर का सेंटेंस छूट गया, वो तो देखना बहुत जरूरी है ना। हाँ जी, वो कह रहा है दिस टाउन वॉज वंस ए प्रॉस्परस सी पोर्ट, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। तो आपको सेम सेंटेंस बनाना है, आपने कहा ए सी पोर्ट, मतलब ए प्रॉस्परस सी पोर्ट टाउन वॉज इन रुइंस, और दिस प्रॉस्परस सी पोर्ट टाउन वॉज ए हीप ऑफ रुइंस, दिस टाउन वंस ए प्रॉस्परस सी पोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस, और ए हीप ऑफ रुइंस ले वेयर Where there is now a prosperous town seaport, कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल appropriate जाएगा, क्योंकि इसमें ही सिंपल बना दिया, दोनों सेंटेंस जोड़ भी दिए और कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, बकवास जोड़ी नहीं, इसमें बकवास जोड़ दी, ले कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, ए हीप ऑफ रुइंस ले वेयर देयर इज नाउ ए प्रॉस्परस टाउन सीपोर्ट, मतलब इसमें क्या बकवास सीधे जोड़ने की कोशिश की, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं जोड़ना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है, फिजूल की चीज़ें नहीं जोड़नी है। इसे देखिए, यहां दो सेंटेंस लिखे हैं, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ऐसे एक ही है, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। वो कह रहा है चेंज दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? तो जब आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें कंजंक्शन का ध्यान रखना, जो उसमें कंजंक्शन नहीं है वो गलत होगा। जैसे द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, ए लॉस्ट मोमेंट इज नॉट ओनली ए लॉस बट ऑल्सो, अच्छा बट ऑल्सो दो बार आ गया, बट ऑल्सो ए लॉस फॉर एवर, ए मोमेंट लॉस्ट इज इक्वल टू, इसमें तो बन नहीं सकता सी, तो ए लॉस्ट मोमेंट नेवर रिटर्न्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में कंजंक्शन नहीं है। अब बचे आपके पास में दो पॉइंट,
द मोमेंट विच इज लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. ए लॉस्ट मोमेंट इज नॉट ओनली ए लॉस बट ऑल्सो ए लॉस फॉर एवर. कौन सा करेक्ट होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो सबॉर्डिनेट क्लोज में नहीं आते, कोऑर्डिनेट क्लोज में आते हैं. और कोऑर्डिनेट क्लोज में आते हैं कंपाउंड सेंटेंस. सबॉर्डिनेट क्लोज होते हैं तीन, आप समझिए. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें सबॉर्डिनेट क्लोज आती है. ये पढ़ा रखा ना आपको, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो सबॉर्डिनेट क्लोज से बनेगा ना. और सबॉर्डिनेट क्लोज कितनी होती है? कौन कौन सी? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज. को इनमें से कोई सी एक बनानी ना तुम्हें. तो इनमें से कहीं भी नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आता. ये एडजेक्टिव क्लोज आपने बना दी. द मोमेंट विच इज लॉस्ट, कौन सा लॉस्ट? मोमेंट विच, ये एंटीसीडेंट, ये एडजेक्टिव क्लोज और ये इसका प्रिंसिपल क्लोज रह जाता है. ये इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए. ही इज वाइजर देन आई. इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है. ही इज वाइजर देन आई. हाँ, आई एम नॉट सो वाइज एज ही. मीनिंग नहीं बदल सकते. ही इज नॉट वाइज देन मी. तो वाइज के साथ देन तो आ नहीं सकता. वाइज पॉजिटिव डिग्री के साथ देन वैसे नहीं चलता. तो ये हो सकता है सो वाइज एज, ये हो सकता है. और बाकी ऑप्शन कौन सा लिखा उसको भी समझ लो एक बार. एक लिखा ही इज वाइज, आई एम नॉट, ही इज नॉट एज वेल एज. इसमें समझ गया कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन ही जाएगा. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट. मेरा तो लगभग एक्सीडेंट हो ही गया था. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब इसके नाम पे मत जाओ कि आपने कितने एडवर्ब पढ़ रखे हैं. आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, वहीं से इसका डिस्कशन निकल के आएगा. देखो पहले चेक करो, एक है डिग्री, एक है मैनर. मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका, किसी काम को करने का तरीका. एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा. सेंटेंस ऑफ, सेंटेंस एडवर्ब ये तो कुछ होता ही नहीं. सेंटेंस एडवर्ब कुछ टर्म नहीं होती. एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस होता है जगह दिखाता है. तो आपने बोला नियरली, उसने कहा आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट. मेरा तो एक्सीडेंट हो ही गया था. मैं जगह का डिस्कशन किया क्या यहां पे कहीं? तो नियरली से जगह का पता चल रहा है क्या? नहीं. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हो सकता. एक्सीडेंट होने का तरीका पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा. यह है डिग्री. डिग्री होता है कितनी हद तक का काम हुआ. भाई साहब मेरा तो एक्सीडेंट हो ही गया था, लगभग वो काम हो ही गया था, वो कंडीशन होता है डिग्री. डिग्री दिखाती है किस लेवल तक वो काम हुआ, कंप्लीट हुआ, अधूरा रह गया, लगभग हो ही गया था, वो डिग्री होती है. ठीक है ना? डिग्री से पता चलता है किस रैंक का, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री. डिग्री दिखाता है मतलब कितने लेवल तक वो काम हुआ. समझ रहे? तो ये ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि मेरा तो एक्सीडेंट बस हो ही गया था. यह है एडवर्ब ऑफ डिग्री. अगर वो बताता मैं दिल्ली गया था तो कहाँ गया था? दिल्ली. तो दिल्ली एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है. अगर मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से गीत गाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो जैसा सेंटेंस लिखा हो, दिमाग लगाओ उसको, वहीं से समझो उसके ऑप्शंस में से. समझोगे? वर्णन के नाम याद करोगे, रूल्स बनाओगे, फंस जाओगे. एक और क्वेश्चन देखो. शी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली. सैंग के नीचे अंडरलाइन है, डांस के नीचे बताइए. ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है या रेगुलर वर्ब है? कौन सी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? बहुत बढ़िया. जिन वर्ब का नॉट, तुक्का मत मारो करो, तुक्का मत मारो करो. जिस वर्ब का सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो कौन सी होती है? वे कुछ भी मतलब फाइनाइट वर्ब होती है वो. जिस वर्ब का सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट होती है. जिस वर्ब का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है. और जिस वर्ब का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव होती है. सिंपल सा पॉइंट है. जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करना है यहाँ पर. जिसका सब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव, सॉरी फाइनाइट. जिसका नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट. जिसका ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव. उसने कहा कि शी सैंग डांस्ड. अब ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या और किसे से? इसमें सैंग और डांस के साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखा है? नहीं लिखा है. नहीं. तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ही इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता. नेक्स्ट आइए.
पिक द सिंपल सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर है, उसका तुम्हें सिंपल सेंटेंस बताना क्या बनेगा. ही वर्कड एज हार्ड एज ही कुड सो दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन. अब कॉम्प्लेक्स है तो कंजक्शन जरूर होगा. कंजक्शन कौन है? कंजक्शन कौन है? सो दैट. तो आपको क्या बनाना है इसका? सिंपल. और बहुत से बच्चों की यहाँ पे टांगे हिल जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे, नाश कर दिया भाई पता नहीं क्या हुआ. सिंपल बनाने के सबसे पहले काम क्या करना है? तो जिसमें भी कंजंक्शन है वो तो गलत हो गया ना. तो देखो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो गलत हैं. पहला कौन सेंटेंस में कंजंक्शन लिखा हुआ सो दैट, गलत सेंटेंस. दूसरे में कंजंक्शन है बिकॉज, ये भी गलत सेंटेंस. तीसरे में कंजंक्शन है, चौथे में कंजक्शन है नहीं है. रचना है, स्क्रीन नहीं दिख रही, बताओ इसमें कंजक्शन है नहीं है. सो दैट है, तो ये भी गलत. ऑप्शन कौन सा गया? सी. ठीक है ना, मतलब ट्रिक डेवलप करो, क्वेश्चंस हो जाते हैं. ग्रामर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, वो क्वेश्चंस बड़े इजी पड़ते हैं. तो तरीके से समझते चले जाओ उनको. आज 70 क्वेश्चंस ही थे. कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्या था, जॉन मिल्टन और बाकी विलियम शेक्सपियर के जितने पॉइंट्स बताए उनको रेगुलर रिवाइज करते रहिए. ठीक है, चलिए अब आपके जो डाउट्स थे उनको ले आइए एक बार. थैंक यू.